नमस्ते सभी को। आज के इस स्त्री रोग संभाषा के सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है, जैसे कि आज हम लोग केस डिस्कशन करने वाले हैं, केस के बारे में डिटेल्स में बताती हूँ। आज यहाँ पे मेरे पास जो केस डिस्कशन आया है, इसमें जो केस है वो कोलाइटिस की केस है। उसके सारे डिटेल्स मैं यहाँ पे प्रेजेंट करती हूँ। हमारे एक डॉक्टर साहब की ये केस है और उसको कैसे विचार करें या इसमें कैसे हम लोग ये कर सकते हैं, इसी को लेकर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए, पहले यहाँ पर मैं जो केस बता रही हूँ उसके बारे में थोड़ा डिटेल्स बोलती है। डॉक्टर गरिमा जी की ये केस है। पेशेंट की एज 65 इयर्स, हाइट 6.2, वेट 81 kg है। मेल पेशेंट है। प्रकृति पित्तवात बताई उन्होंने। कंप्लेंस क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन की, क्रॉनिक इलियाटिस की, क्रॉनिक कोलाइटिस की और इंसोमनिया आम की उत्पत्ति है। और उन्होंने आरोग्यवर्धिनी अविपत्तिकर चूर्ण और कुटच पर्पटी और बिलजिल सांडू की कैप्सूल लैक्सिनॉल एंड ये सारा कुछ दिया है। चलिए इसमें कैसे विचार किया जाए। अभी यहाँ पे जो केस मुझे लगता है इसमें जैसे एज, वात प्रधान एज है, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है, दाह है, कोलाइटिस भी है एंड इंसोमनिया निद्रा है। बिल्कुल जैसे अभी तो वैसे एज के हिसाब से भी कहीं ना कहीं निश्चित रूप से परिणाम होता ही है, निद्रा कम हो जाती है। डॉक्टर स्मिता, आप होस्ट बन गए, जरा मुझे होस्ट बना दीजिए। डॉक्टर स्मिता जी, आवाज आ रही है? डॉक्टर स्मिता, मुझे होस्ट बना दीजिए। डॉक्टर स्मिता, हेलो। हाँ मुझे होस्ट बना दीजिए। आप गलती से होस्ट बन गए, मेरा इंटरनेट चला गया था तो मेरे नाम के आगे ना वहां पे मेक होस्ट करके आएगा।
तो उसको बना दीजिए प्लीज। डॉक्टर गरिमा, मैं आपका ही केस डिस्कस कर रही थी। कर रहे हैं आप हाँ जी मैम, गुड स्मिता जी से? इवनिंग हाँ मैम। यस यस प्लीज जी मैम, मैम। इस मैंने अभी अभी केस के बारे में भी डिस्कस कर रही थी, तो बताइए एक बार फिर से गरिमा जी। जैसे मैंने पढ़ के बताया था, लाइक कॉन्स्टिपेशन, इलियाटिस, कोलाइटिस, और पेशेंट काम क्या करते थे? अच्छा, वो बैंक में थी ओके। जी। और आपने मतलब आम पाचन करवाया क्या इसमें पहले? आम पाचन थोड़ा सा? जी मैम, आम पाचक मैम दिया था पहले, अभी वो मैम दिया था। बीच में चले गए थे, फिर अभी फिर से आए हैं मैम। बीच में दिवाली पे मीन्स नहीं आए वो दिवाली के टाइम पे, अब फिर आए हैं। तो अब अच्छा, मैम मैंने पेट कर लक्षण दिया। क्या बताते हैं? पेट दर्द बताते हैं क्या बताते हैं? हाँ जी मैम, लक्षण में मैम पेट दर्द ही है, और बहुत ज्यादा पेट में शाम को दर्द होता है मैम, इवनिंग में मतलब अनटॉलरेबल रहता है मैम पेन। अच्छा, वो लाइक आपने ये करवाया था यूएसजी में, लाइक कुछ निकला स्टोन वगैरह का तो कुछ नहीं है ना? मैम स्टोन मैम किडनी में आया था, लेकिन मैम साइज कम था। मैं इतना पेन बोल रहे तो इसीलिए मैंने पूछा। जी मैम, बोलिए। और मैम डिस्चार्ज भी था, डिस्चार्ज भी है मैम। डिस्चार्ज कैसा है, मतलब गुदगुदा स्राव है क्या? हाँ जी, हाँ जी मैम, गुदगुदा स्राव, क्या है मतलब, ब्लड आता है या म्यूकस है? म्यूकस मैम, म्यूकस डिस्चार्ज, म्यूकोसल। अच्छा, मुझे लगता है ना मैम इसमें थोड़े से कैंसर्स को लेकर वगैरह भी इन्वेस्टिगेशंस होने चाहिए, कहीं ना ऐसे हाँ सिक्रेशन आ जी, रहा है तो हाँ जी मतलब मैम, वो ऐसे भी मैम विदाउट टूल जी पास नहीं होता है, वैसे भी सिक्रेशंस होते रहते हैं। जी मैम, और मैम वो कराया है उन्होंने, वो जब आए तो इस बार अच्छा मैम बायोप्सी कराए है, हाँ इलियन हाँ बायोप्सी कराया हाँ है हाँ मैम तो, और मैम कॉलोन का भी कराया है मैम बायोप्सी, अच्छा तो मैम ठीक है। कुछ मैलिग्नेंट नहीं है ना नहीं वैसे, है। नहीं मैम, मैलिग्नेंट नहीं है, मैलेग्नेंसी नहीं है? नो मैम अच्छा ओके, तो वो तो ठीक है, अच्छी बात है। जी। तो ठीक है फिर, आम पाचन ऑलरेडी आपने किया है तो वो तो ठीक है, कोई बात नहीं। और पेशेंट को अभी भी कॉन्स्टिपेशन है तो स्टूल पास होने में समय लगता है? ठीक हाँ जी मैम, डिपेंड ही है मैम, वो मेडिसिन ही लेते हैं है। बाकी कभी डायबिटीज कभी। वगैरह का कुछ नहीं है ना? नहीं मैम, शुगर का अभी जो टेस्ट हुआ था तो बॉर्डर लाइन था मैम, तो लेते नहीं है मेडिसिन, नहीं है, नहीं लेते हैं। ठीक है ठीक है। हाइपरटेंसिव है मैम। तो हाइपरटेंसिव है, ठीक है, उतना तो एज फैक्टर से रहेगा। चलिए, मैं इसमें थोड़ा सा मेरा विचार ये रहेगा कि बिल्कुल यहाँ पे तो जैसे आंत्र में सूजन है और आम बन रहा है, और कहीं ना कहीं ये स्त्राव को भी हमें कम करना होगा। तो मैम गुद पीचू रख सकते हैं क्या इसमें? ना मुझे ऐसे लग रहा है ना कि मात्रा बस्ती से ना पहले, क्योंकि मात्रा बस्ती, आपने लोकल एग्जामिनेशन किया गुद का या करवाया गुद का एग्जामिनेशन गरिमा जी? आपने लोकली देखा? हाँ जी मैम, हाँ जी मैम, लोकली मैम सर हैं, डॉक्टर साहब हैं, तो उनसे हाँ कराया वही। था मैम, वो शारश्रुत्र हाँ करते हैं, तो हाँ उनसे मैम कराया था। हाँ तो मैम अच्छा, कुछ नहीं है ना फाइल्स पाइल्स वगैरह लोकली, कुछ भी नहीं नहीं? मैम, नहीं लोकल फाइल्स नहीं है। हाँ, तो सिक्रेशंस आ रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें उसको मतलब और आम पाचन की भी जरूरत है। चलिए मैं इसमें कुछ और बता देती हूँ। जैसे मुझे ऐसे लग रहा है कि ये सारी कंडीशन तो तिक्तकषाय रस आम पाचन भी करेगा। मेरा एक अनुभव इसमें ये रहा है कि उदुम्बर का काढ़ा 40 ml की मात्रा में दिन में 2 बार देते ना, काफी अच्छा रहेगा। अपने आरोग्यवर्धिनी तो ठीक है, अभी आरोग्यवर्धिनी बंद करिएगा, अभी पति का चूर्ण नहीं देंगे मैम। आई थिंक कि जैसे उनको ऑलरेडी मतलब स्त्राव हो रहा है तो थोड़ा सा पहले स्त्राव पर और आम पर काम करें, पेट दर्द पर काम करें। और जैसे ही आम कम हो जाएगा तो आप मतलब मल अच्छा बनेगा ना, मल अच्छा बनेगा तो कॉन्स्टिपेशन तो नहीं रहेगा। और उसके जी लिए मैम, थोड़ा घृतपान वगैरह करवाते, ऐसा घृतपान करवाएंगे जो उनके आंतड़ों में जो भी सारी ये रुक्षता आई है जिसके कारण सूजन है, पित्तवात के लक्षण मिल रहे ना, तो इस जैसे जी उदुम्बर के काढ़े से भी बहुत अच्छा होगा रिजल्ट इसका। फिर एक कॉम्बिनेशन आप लिख लीजिएगा, लोधरा त्वचा चूर्ण 1 ग्राम, मुस्ता चूर्ण 1 ग्राम, नागकेशर 1 ग्राम, लोधरा मुस्ता नागकेशर 1 1 ग्राम, फिर उसमें मुक्ता पंचामृत रस डालेंगे 125 mg। अगर मुक्ता पंचामृत नहीं मिला
तो आप मुक्ता भस्म भी ले सकते हैं, ये ओके मैम, लेंगे हम लोग 125 मिलीग्राम। इसमें प्रवाल भी ओके ऐड कर सकते हो, शंख भस्म प्रबल ऐड करिएगा, प्रवाल पिष्टी और मैम, शंख प्रबल भस्म। हाँ प्रवाल भस्म भस्म या प्रवाल पिष्टी, यस जी मैम, वो आप लीजिएगा, 125 चलेगा, और शंख भस्म भी ट्वेंटी 125 मिलेगा। यस ऐसे ये सारा कुछ मिलाकर अगर आप एक कंबाइन करके उनको गोदुग्ध के साथ पान करवाइएगा, और कुटस परपटी चल रही है उसको चलने दीजिएगा, कोई बात नहीं। कुटस ओके परपटी, मैम, परपटी मुझे ऐसे लग रहा है ना कि सूजन है, तो परपटी से ऐसे सिंपल कुटस घनवटी देते हैं तो भी चलेगा, ओके देखिए मैम, आप। हाँ और अगर बस्ती का सोच रहे हैं ना, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि उधमपुर के काढ़े की बस्ती आप मतलब ट्राई करके देखिएगा, इसमें और बेहतर रिजल्ट मिल सकते हैं। मतलब जात्यादि तेल से मुझे ऐसे लगता है कि उधमपुर काढ़े का भी बस्ती का रिजल्ट काफी अच्छा मिल जाता है। और भूख कैसी है पेशेंट की? भूख ठीक है मैम, हाँ जी ठीक है, इसको भूख तो एक और लगती है बात मैम, देखिए। अच्छा एक ना मार्केट में बिल्व का ये मिलता है, जाम मिलता है, पता है आपको, बिल्व का, बेल का, जैसे हम लोग जी बाकी जाम यूज करते हैं ना, अमरूद का वगैरह खाने में, जैसे जी ब्रेड हाँ पर जी लगाकर, तो उसी रूप से बिल्व का मिल जाता है। सो अगर आप बिल्व का ये जो जाम के रूप में या बिल्व का शरबत भी मिलता है, तो वो बिल्व मतलब मेरा ये कहना था कि बिल्व चूर्ण या बिल्व का कुछ खान पान में भी देते हैं, तो ये मल को बांधने का काम करेगा, बिल्व स्तंभन भी करता है, ग्राही है, दीपन है, तो वो बेस्ट जी रहेगा इसमें। और वरण रोपण भी हो, देखिए इसमें हमें सब कुछ एक साथ नहीं हो पाएगा, इलियटिस भी आप कहते हो, तो दीपन करना होगा, आप पाचन करना है, ग्राही काम करना होगा, और कहीं ना कहीं हमें आंतड़ों को हील भी करना है, और जो भी आप बता रहे जैसे कि सिक्रेशंस हो रहे तो उसको स्तंभित भी करना है। तो फिर इसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे, तो इसमें कुटच का अच्छा रोल है, बिल्व का अच्छा रोल है, पित्त का शमन करेंगे, तिक्त रस, वासक का भी एक कैप्सूल मिलता है, वासा कैप्सूल, वो भी अगर पॉसिबल हो तो वो भी दे सकते हैं। बट मैंने ये पित्त बैलेंस वाला जो फॉर्मूला बताया ना, वो बहुत अच्छा है। अभी इसमें कुछ आप अपने ओके हिसाब से भी कुछ ऐड भी कर सकते हैं, अगर शुक्ति भस्म ऐड करना चाहे तो ऐड करिएगा, क्योंकि ये जी प्रवाल वगैरह ना बहुत अच्छे से, एक तो कैल्शियम और बाकी भी होता है, और पित्त का शमन भी हो जाएगा, मुक्ता बिल्कुल पित्त जी का शमन करता है, सारे पित्त शमन वाले ही फॉर्मुलेशन इसके हैं। और ठीक है वासा भी मैम, कुछ लोग ऐड करते हैं, वासा एक्चुअली कैसे अगर लाइक तो पित्त का शमन भी करता है ना थोड़ा, और स्तंभन का भी काम देखकर वासा इसमें कर सकते हैं आप ऐड, जरूरत पड़ी तो, है ना। ओके मैम, सो आई थिंक इस प्रकाशित, और पेशेंट को दाढ़िंग का काढ़ा भी दीजिए मैम, दाढ़िंग खाने को लगाइए पेशेंट को ना, दाढ़िंग भी मल को बांधता भी है, एंड फॉर्म मतलब स्टूल फॉर्मेशन होगा, और दाढ़िंग का जो एक माइक्रोबियल इन्फेक्शन के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। आप दाढ़िंग का रस ऐसे दिन में उनको ना आधा आधा ग्लास एक एक कप ऐसे पीने को लगवाइएगा पेशेंट को ना। और खान पान में क्या ओके कुछ बताया आपने मैम पित्त शमक ही बताया है अभी तो उनको ना, थोड़ा थोड़ा छाछ जी, लाइक आधा कप एक आधा ग्लास ऐसे छाछ में ना कुछ सेंधव और जीरा पाउडर डालकर मसाला वाला छाछ उसको पीने को लगाइए, और चाय पीते जी हो तो चाय में शुंठी वगैरह डालिए, जो पेट के लिए भी अच्छा रहता है। गृहिणी में पेशेंट को बहुत समय तक छाछ पर रखा जाता है, तो छाछ बहुत अच्छा रहता है इसमें। और मैम पेशेंट को खाने में घी भरपूर खाने को दीजिएगा उसको ना, आप अगर मेडिकेटेड जी, घी देना चाहते हैं तो दाढ़ी मादी घी भी अच्छा रहेगा, दाढ़ी मादी का, ओके मैम, हाँ, या फिर द्राक्षा का, जो पेट के लिए भी मतलब पेट साफ होने में भी धीरे धीरे। अभी मेरा ऐसा विचार है कि पहले हम लोग विरेज मतलब जो उनको हील करे, पहले आंतड़ों को हील करे और फिर जाकर उनको मतलब पेट साफ, अभी पेट के ऊपर ज्यादा हमें ये नहीं करना है, पहले हमें हील करना है, जितने आंतड़े हील हो जाएंगे ना, जो भी सिक्रेशंस क्लियर निकल रहा है वो कम हो जाएगा, फिर अपने आप से तो कॉन्स्टिपेशन धीरे धीरे हो जाएगा ये सारा एक बार, क्योंकि स्टूल ठीक से फॉर्म ही नहीं हो रहा है ना, स्टूल में आम बन रहा है, हाँ जी मैम, तो ये सारा इसमें मैम विचार कर सकते हैं। देखिए इसमें आपको बहुत सारे फॉर्मुलेशंस मिलेंगे, बट ये उधमपुर वाला जो मैंने बताया ना, तो मुझे ये अच्छा लगा है ज्यादा सबसे। तो मैम अभी बस्ती ना दें, अभी पहले हम बस्ती ना दे, शमन इससे मुझे लग चिकित्सक रहा है ऑलरेडी पेशेंट्स को सिक्रेशंस हो रहे हैं, तो थोड़ा जस्ट वेट, ये एक कोर्स होने दीजिए 7 दिन का, एंड जी देन आप पीचू रख सकते हैं मैम, पीचू रखिएगा। जी ओके मैम,
तो आपने जो भी एग्जामिनेशन किया तो आप में गुद में कुछ भी नहीं मिला, नो नहीं एनी मैम, टाइप ऑफ व्रण है लाइक। मैम, गुद में व्रण है मैम हाँ बिल्कुल, तो मैम कहीं ऐसा तो नहीं जी। उस जख्म से ही या व्रण से ही सिक्रेशंस आ रहे हैं? मैम अभी तो मैम वो एलोपैथिक पे ही डिपेंडेंट है ना, तो उसी से ही जितना रुका हुआ है, वो कह रहे हैं कि मैं ये खा रहा हूँ तो बस इसलिए मैं चल रहा हूँ, अदरवाइज मैं तो ऐसा होता है कि बस मैं मर ही जाऊँ, मतलब इतना मेरे को दिक्कत होती है। शाम को, इवनिंग में ही होती है मैम, दिन तो ऐसे निकल जाता है, अच्छा ठीक है, ऐसे में बोल रहे हैं। थोड़ा उनको अभी मतलब जैसे वो चलने दीजिएगा, एक आधा दूसरा जो मेडिसिन है जो ज्यादा जरूरी है ना मैम, ये तो हाँ देखिए जी ना, टेलसार, मल्टीप्राइम, मॉक्सिल, इपिटस, क्लोज, बहुत ही है ज्यादा, आई थिंक 6-7 टेबलेट्स वो खा रहे हैं, तो उसमें से जो भी जरूरी लगते उतने रखिए, बाकी के बंद कर दीजिएगा धीरे ओके धीरे। जी मैम एकदम से तो पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है धीरे धीरे कर लेते हैं, कोई बात नहीं है ना। जी मैम ओके मैम, क्लियर हो गया आपका? और किसी को कुछ ऐड करना हो हाँ तो जी बताइए प्लीज, बाकी डॉक्टर्स का ओपिनियन कुछ हो तो बताइए, सारे मंदाकिनी जी, संपदा जी, स्मिता जी, शशि जी। मैम, अभी पिच्छू किसका रखेंगे? दत्तेदी का पिचू रख सकते हो आप जाते थे ओके मैम। व्रण कैसा है वो बताइए, थोड़ा व्रण का वर्णन करिए। मैम, अभी जैसे मैंने देखा सर के साथ तो बिल्कुल रेड ही था, बिल्कुल लाल, बिल्कुल जैसे पित्तजी लग रहा था मैम, पूरा इन्फ्लेम्ड था मैम। अच्छा मैम, फिर शतद्रोत ग्रुप का कराते क्या? देखिए शतद्रोत ग्रुप भी अच्छा रहेगा, अच्छा क्योंकि हाँ शतद्रोत ग्रुप से जैसे पित्त शमन होगा, अगर रेडिश है तो शतद्रोत या फिर यष्टि मधु भी चलेगा। अभी जात्यादि ना यूज करें, पहले शतद्रोत का दीजिएगा 5 दिन और जी फिर जात्यादि का दीजिएगा, ओके मैम ऐसे है ना, तो ये जी ठीक मैम रहेगा। ओके और कुछ इसमें आपका डाउट हो तो प्लीज डालिएगा, और किसी को कुछ बोलना हो तो भी ऐड करिएगा। ओके चलिए नेक्स्ट, दूसरी केस मैं बताती हूँ, या मंदाकिनी जी आप बताएंगे, आपने जो डाला था केस हाँ उसको डिस्कस जी करते हैं मैम, नेक्स्ट आज हमने। ये पेशेंट है तो इनका 41 एज है और इनको प्रॉब्लम मेरे पास तो जब ये कंप्लेन लेकर के आई तो सिंपल प्रॉब्लम थी कि इनको बहुत ज्यादा मेंसुरेशन के टाइम में पेन बहुत ज्यादा होता है, असहनीय पेन होता है, बाकी ब्लीडिंग वगैरह उनको सबको सही होती थी, टाइम से इनको पीरियड होते थे। फिर अभी से प्रॉपर हिस्ट्री ली तो इन्होंने बताया है कि ये 6 साल से शायद दवा खा रही है, उनको ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही थी उस समय, पर उस समय दर्द नहीं था। कुछ 6 साल से उनकी ओसीपीज वगैरह चलती रही और वो दबाते गए, उसके बाद जो है पीरियड्स तो इनके अब रेगुलर हो गए हैं और ब्लीडिंग भी कंट्रोल हो गई, लेकिन दर्द अब ज्यादा रहने लगा। तो फिर उसके बाद मैंने कहा ठीक है, अल्ट्रासाउंड वो खुद ही कराते हैं, तो उसमें ऐसे फाइब्रॉइड निकला था 6 mm का। तो फिर उन्होंने बोला कि वहां के लोगों ने बोला कि पड़ा रहने तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर ज्यादा होगा तो फिर ऑपरेशन कर देंगे। फिर वही मेरे पास में तो मेरे को बताया उन्होंने, 5 मिनट बाद बैठा तो फिर उन्होंने मेरे को बोला कि ऐसे से प्रॉब्लम है, ऐसे वो बोल रहे हैं कि छोड़ दो अच्छा बाद में। अच्छा उनका नहीं छोड़ना क्यों है, छोड़ेंगे नहीं, दवा चलाएंगे। फिर मैंने कहा कि अगर आप इंटरेस्टेड हो आयुर्वेद में तो आप आ जाओ यहाँ पे, हम लोग शोधन करेंगे, क्योंकि आपका फैटी लीवर भी है, फिर उसमें सूजन भी है, उसमें फिर कोलिलिथियसिस सब कुछ है आपको, और थायराइड की मरीज ऑलरेडी पहले से, तो मैंने कहा सब सब कुछ क्लियर भी हो जाएगा और इससे भी असर आ जाएगा क्योंकि थायराइड वगैरह है। तो फिर उनको फिर से विश्वास नहीं हुआ, तो बोली कि आप दवा लिख दीजिए। तो मैम मैंने दशमुला ऋषुण को लिखे, क्योंकि मुझे लग रहा था वो इंटरेस्टेड नहीं है, तो मैंने सिंपल दशमुला ऋषुण दे करके भेज दिया। तो उनको दशमुला ऋषुण को बड़ा फायदा हुआ, उनको मतलब पेन बहुत ही कम हुआ उनको, और ब्लीडिंग भी उनकी जो पहले थोड़ी सी ज्यादा हुई लेकिन जो पेन उनका कंट्रोल हो गया। तो फिर वो हाँ दोबारा गए डॉक्टर ने कहा इनसे सब कुछ ठीक है, पेन भी कंट्रोल हो गया, ब्लीडिंग भी कंट्रोल हो, तो मत कराइए, जो तो दिक्कत होगी तो कराएंगे। फिर वो मेरे पास दोबारा आए तो उन्होंने बोला कि अब क्या करना है, तो मुझे फिर भी विश्वास नहीं है तो मैंने ऐसे दवा ली थी, तो बोली कि नहीं नहीं आप बोल रही थी मेरे को स्टीम चैम्बर में ऐसे बैठाने के लिए, तो मैंने कहा ठीक है शोधन करते हैं। तो अभी मैंने मैम सारा हाँ रिपोर्ट उनको भेजा, हाँ ये करवा लो, क्योंकि बाद में पता नहीं क्या क्या निकले, इससे अच्छा है कि अभी एक बार करा लेते हैं पूरा ब्लड टेस्ट वगैरह। तब तक के लिए मैम वही मुझे पूछना है कि इनको
प्रॉब्लम ये है, मैं फाइंड आउट नहीं कर पा रही हूँ अभी इनका प्रकृति। अभी है तो देखने में कफस प्रकृति है, आराम आराम से बात करती है, लेकिन अभी बता रही थी कि पहले उसको ठंडा बहुत ज्यादा लगता था, अब जो दवाइयां खा खा के गर्मी बहुत लगती है, और बता रही थी कॉन्स्टिपेशन वगैरह उसको, अभी खाना ऐसा खाती है ना तो उसका खाना पस्ता अनडाइजेस्टेड फूड निकल रहा है, अभी गलन भी हो जाती है उसको। और बाकी उनके हस्बैंड भी चिंता अच्छा। वगैरह करती, उनके मर गए हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि जैसे इसका प्रकृति पित्त कफज है, थोड़ा वातज तो रहना होगा ही होगा। अभी मैम अभी क्या चल रहा है, क्या दिया है? कुछ नहीं दिया मैम, अभी तो बस रसमलाई के है, और एक यहाँ पे लीवो श्योर करके सिरप आता है आयुर्वेदिक का, वो दे रखा है कि थोड़ा सा लीवर मतलब स्टेबल रहे। तो अभी मैम वो दीपन पाचन के लिए फिर वही सोच रही थी मैं, क्या दूं, आम पाचन दूं कि कहीं जलन ना करे, ये सोच रही थी मैं। आम क्या होगा आम पाचन से, क्या सोच रहे? पाचन वटी लोगों को, कुछ कुछ लोगों को ना गर्म कर देती है, जलन वगैरह क्रिएट नहीं कर ठीक देती है है। मैम, फिर सुंठी का ना सिंपल सुंठी का काढ़ा भी दे सकते हैं आप अगर आपको, और सुंठी देते हैं तो उनको पेन वगैरह जो डिसमेनोरिया उनको है ना वो भी कम हो जाएगा। कुछ इन्वेस्टिगेशंस किए आपने? ये अभी भेजा है करने के लिए, थायराइड का और एलएफटी का, लिपिड का, शुगर का, देखा है भेजा है अभी तो। वेट भी काफी ज्यादा है। हाँ वेट ज्यादा है, मैंने बोला उसको कम करना भी होगा, थोड़ा बहुत तो हम लोग रिचल से कम नहीं कर ही ठीक है, लेंगे। अभी क्या करिएगा ना, शुंठी का कषाय स्टार्ट कर देते हैं हम लोग। चंद्रप्रभा वटी एक दीजिएगा उनको, रसमलारिष्ट तो ऑलरेडी दिया है ना शायद आपने। हाँ जी दिया, थ्री सेवन डेज ठीक के लिए है, दे ना, 3 डेज के लिए नहीं 5 डेज के लिए तो कम से कम चलाइएगा ठीक है, फिर मैम। विरेचन के देखिए ना लिए। इसमें आप मात्रा नहीं, हम ये भी देंगे विरेचन देंगे, विरेचन के लिए ना महातिक्त ही दीजिएगा, महातिक्त ही अच्छा रहेगा। हाँ, यही मैंने भी सोचा था मैम, ठीक हाँ है, महातिक्त ही क्योंकि वो दीजिएगा। लीवर पे भी काम करेगा और इसके हाँ यस ब्लड। यस। और किसी को कुछ ऐड करना है या पूछना हो तो पूछिए इसमें। हाँ बोलिए। एक और ना, जैसे बाकी कॉन्स्टिपेशन पेट वगैरह ठीक है? पेट वगैरह ठीक है, बस वो हल्का हल्का दर्द होता रहता है कभी कभार लीवर के साइड में, तो फिर उसके अकॉर्डिंग शंखपट्टी वगैरह चला दूंगी अगर ज्यादा दिक्कत करेंगी बीच में पांच नहीं दिन फिर तो। ना मैम, फिर ये दीजिए ना हिंगू वचा चूर्ण दीजिए ना फिर उससे, तो हिंगू वचा जलन नहीं से हो भी जाएगी, मैं जलन को हो रही है अभी, जलन हो रही है क्या? अच्छा ओके। ऐसे चित्रकार भी बटी मैम। नो, नहीं चित्रकादी भी गर्म पड़ जाती है। अच्छा नहीं वो नहीं देंगे, द्राक्षा दीजिएगा, द्राक्षा वाले देंगे। द्राक्षा अवले, उससे हाँ पाचन नहीं जैसे आएगा दीपन नहीं द्राक्षा वाले का। है इसके लिए कि लाइक वात और पित्त के शमन के लिए दे सकते हैं हम लोग द्राक्षा वाले। द्राक्षा रस रखा मैम मेरे पास, हाँ द्राक्षा रस वो दे दूं, द्राक्षा हाँ चलेगा, या फिर अभया, अवले। हाँ द्राक्षावलेह या फिर अभय तिरुतवलेह करके आता है जो थोड़ा हल्का मतलब विरेचन भी होगा तो मतलब अपान पर काम करेगा ये, ऐसे अभया भी मतलब है ना अभी भी इसमें। थोड़ा थोड़ा अभी चलेंगे, अभी भी 5 दिन में जो अभी कराएंगे अभी उसमें भी बेहतर कराएंगे। जलन है क्या उनको? जलन कभी कभार होती है, जैसे हमेशा अच्छा नहीं होती है, देखते अच्छा अच्छा ठीक है हैं नहीं मैम, इतना फिर देगी तो अगर कंप्लेन करेगी तो फिर नहीं, ऐड कर इसमें ना देंगे। अभय तिरुहूत कषाय भी ठीक काम करता है। अभय अभी यहाँ पे साई मम्मी किस कंपनी का आता है? तिरुहूत आपको बैद्यनाथ का मिल जाएगा। मैम अगर ये नहीं मिला तो, यहाँ तो बहुत ही नहीं कम मिला मिलती है तो दवा, ठीक है, मैं अभ्यारिष्ट डाल चला चलेगा ना, अभयारिष्ट भी चलेगा। ठीक है। आप कुछ इसमें पंचकर्मा का प्लान कर रही है क्या, हाँ जैसे मैम इसके लिए? विरेचन का, हाँ ठीक है, महातिक्त का सेवन करके कर सकते हैं। एक बार पाचन होने दीजिए, दीपन पाचन थोड़ा सा, और फिर चला दीजिएगा ये, है ना? और पेशेंट को ठीक जलन ज्यादा है क्या, फिर बहुत ज्यादा है। नहीं आपको जलन ये हो? ज्यादा नहीं है, जलन हाँ ज्यादा नहीं है, मतलब कहती है कि दवा जैसे ज्यादा मिर्च मसालेदार खा लेती है ना तो जलन हो जाता है उसको, तो बंद कर रखा है अभी सारा हेतु।
अच्छा, सही। नहीं तो फिर हम ये मुक्ता और इसका भी दे देते, प्रवाल मुक्ता का कॉम्बिनेशन, वो भी चलता आपका। नहीं ज्यादा तो नहीं है मैम। अच्छा ठीक है। ठीक एक और, ये अगर जरूरत पड़ी तो सुकुमार भी ऐड कर सकते, सुकुमार कशाय। किसके लिए? सुकुमार कशाय जैसे ना, मतलब एक प्रकार से मेंस्ट्रुअल इसको क्लींज कर देता है, यानी अच्छा आत्मतुष्टि को कम करता है। हाँ, और पेन भी मैम। कम करेगा सुकुमार। यस, हाँ ये सही रहेगा। तो एरंड का तेल थोड़ा पूरन करवाइएगा मैम, अपान अपान क्षेत्र पर कार्य करेगा। ठीक है, नाभि पूरण और नाभि तेल का नाभि मसाज पूरन करवाइएगा। हाँ, एरंड तेल का नाभि अभी पूरन करवाइएगा, अच्छा दंत। रहेगा। ठीक यस, है, तो अभी 5 दिन करके फिर इसके बाद उसको वीरेशन के लिए कर ले सकते हैं। हाँ चलेगा चलेगा। अभी पाचन दीपन थोड़ा सा और फिर विरेचन, ऐसे। ठीक ओके, कुछ और किसी का कुछ हो तो है। मैम, और किसी का कुछ विचार हो तो बताइए, सारे लोग मिलके, संपदा जी, माधुरी जी, डॉक्टर माधुरी, और कुछ विचार। हेलो मैम, मैं हाँ अभी बोलिए। जॉइन हो गई हूँ, पता नहीं हाँ है हाँ मुझे हाँ कुछ ठीक। इसलिए। डिस्मेनोरिया का केस है, मैडम ने डाले हैं डिटेल सारे। स्वाति, डॉक्टर स्मिता, कुछ ऐड करना है बोलिए मैम। इस केस में, मैडम के केस में, डिस्मेनोरिया की, जैसे अभी भी रेचन प्लान किया है और फिर आगे मात्रा बस्ती भी प्लान कर सकते हैं। वैसे तो थोड़ी मेनोपॉजल एज में जा रही है पेशेंट, पेन के लिए तो मैम जैसे मैंने कल ये भी बताया था ना मंदाकिनी जी, आप पहले 5 दिन जैसे स्टार्ट कर सकते, मैंने फॉर्मुलेशन बताए थे कुछ, योगराज गुगुल, या मैंने ये भी बताया था ना हाँ पित्तज के लिए, ये अपना कुमारिका का ये जेल, कोरफड़ का गर निकाल कर हाँ उसमें हल्दी हाँ डालकर वो हाँ खाने के लिए मैम देना, मैम जैसे वो भी कर सकते। अभी पुष्पा और त्रिफला आमलेट बताया था। ग्रंथिरज बोला है मैम, ग्रंथिरज। अभी ब्लीडिंग ज्यादा पाठ हो जाएगी, ब्लीडिंग अभी तो कंट्रोल हो चुका है, तो ग्रंथिरज आई लगा थिंक जैसे बीच में हो कंट्रोल। गया। मात्रा बस्ती में किसे देंगे इसको? बस्ती भी चंदन बला की अच्छी रहेगी, क्योंकि पित्त, मतलब पित्तज पेशेंट लग रहा है ना आपको, पित्तज टाइप के लक्षण है ना, चंदन बला की अच्छी रहेगी। 7 डेज ना मैम। 7 डेज दीजिएगा। हाँ, 40 ml से स्टार्ट करके। ठीक है मैम, पहले इतना कर लेते हैं फिर डिस्कस करते हैं। आप ना इसी में ही तो पूरा महीना निकल हाँ नहीं 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 जाएगा। ठीक है, वही तो, अभी पहले कर लीजिएगा फिर बता दीजिएगा। वो क्या होता है ना, फिर जैसे लक्षण देख के चेंज होता है सारा कुछ, तो बाद में बता हाँ जी दीजिएगा, है ना। हाँ ठीक हाँ है, जी, ठीक है, थैंक यू। ओके। और किसी का कुछ केस हो तो बताइए प्लीज, क्योंकि आज केस डिस्कशन ही रखा है, अलग अलग केस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, हमारे बाकी डॉक्टर्स भी। यस, मैडम नवंबर में मेल इनफर्टिलिटी रिलेटेड आपने लेक्चर सीरीज ली थी, उसकी वीडियो मिलेंगे? अच्छा, वीडियोस कब लिए थे मैम ये? अक्टूबर एंड नवंबर हाँ, फर्स्ट में अक्टूबर वाले वीडियोस रह गए बाकी। बिल्कुल। थोड़ा थोड़ा मिस हो जाता है तो आपका थोड़ा सा बहुत ही नाड़ी का भी मिस हो गया। हुआ, थोड़ा ऑफ्टेटिक वर्क था वो सब। मेल इनफर्टिलिटी के भी वीडियो चाहिए थे मैडम। अच्छा ठीक है। स्पर्म, हाँ स्पर्म रिलेटेड हो, अच्छे थे ठीक है वीडियोस। मैम, ठीक है, एक बार फिर से भी हम प्लान करते हैं।
जैसे आप बता दीजिएगा ना कैसे, मतलब मैडम मेरे पास किस एक टाइप की पेशेंट पैक, है। मैम देखिए किस टाइप की चाहिए ना, वो हम फिर से एक बार कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है लाइक, क्योंकि बार बार डिस्कशन होता रहता है तो कोई ना कोई तो उसमें रहती है ना, मुझ में भी रहती है, सब कुछ ये होता है। आपने बोलिए स्पर्म, आप हाँ जैसे कहिए, स्पर्म, एक बार फिर से हम छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर भी कर सकते हैं उसको, हाँ ठीक है मैडम, ठीक एक बार फिर से कर लेते हैं, ओके। मेल कोई दिक्कत नहीं। इनफर्टिलिटी इनफर्टिलिटी तो आपने, बार बार डिस्कस करनी पड़ती ही है ना, ऐसे थोड़ी ही केसेस सॉल्व नहीं होते ना उसके, तो बाकी बहुत ही प्रॉब्लम्स आती है उसमें, तो बार बार रिपीटेडली करेंगे। अभी हमारे साथ डॉक्टर्स नए भी कुछ जुड़ गए तो वो भी अपना ये बता देंगे, अनुभव बता देंगे जैसे, तो और एक बार करते रिपीट, आप जैसे बोलते रहिएगा है ना। ओके मैडम। मेरे पास एक पेशेंट है 32 हाँ इयर्स, हाँ 32 इयर्स, सिस्टाइटिस है 6 मंथ से। तो एलोपैथी एंटीबायोटिक्स लिया तो रिलीफ रहता है, और फिर जलन, बर्निंग मिक्चुरेशन और लोअर एब्डोमिनल पेन, ऐसे कंप्लेंट करता है पेशेंट मेल शुरू मेल के में। बारे में या फीमेल? फीमेल 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 पेशेंट। हाँ मैडम, हाँ। तो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट क्या प्लान करें? हेलो बताइए, सभी लोग कुछ हिस्ट्री पूछिए। हाँ हाँ बोलिए बोलिए मैम, थोड़े और डिटेल्स बताइए कंप्लेंट्स, पेशेंट की बर्निंग मिक्चुरेशन, बस। हाँ 32 ठीक है। इयर्स ओल्ड फीमेल पेशेंट कंप्लेनिंग डिसयूरिया, पेन हाँ इन लोअर एब्डोमेन, बर्निंग मिक्चुरेशन, ठीक है ठीक है ठीक है। और मेंस्ट्रुअल कैसा है बताइए, मेंस्ट्रुएशन कैसा है? नॉन पीसीओडी, रेगुलर मेंसेस है, रिकरेंस अच्छा, बर्निंग यू मिक्चुरेशन। किया है। हाँ 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 यूएजी किया, तो यूएजी में सिस्टाइटिस ऐसा, क्रॉनिक सिस्टाइटिस ऐसा रिपोर्ट है। सोनोग्राफी में ठीक रूटीन यूरिन में 8-10 पसेल्स रहते हैं। तो एंड एलोपैथिक एंटीबायोटिक्स लिए तो कम हो जाता है कुछ समय के लिए, फिर कंप्लेंट्स थोड़ा समय जाने के ठीक बाद है फिर चालू होते हैं। ठीक है, बताइए सभी लोग बताइए, कुछ पूछना मेन अभी सिस्टाइटिस हो है, तो क्या है हेतु? हेतु कुछ ऐसे खास नहीं मिले मैडम। अगर ये तो गृहिणी है हाउस वेग धारण वगैरह वाइफ, कुछ है क्या? वेग क्या? धारण नहीं, वेग धारण नहीं पूछा मैंने। बिना हेतु के तो नहीं होगा मैम उसका। देखा मैम तो चंद्र प्रभा है, कुक्षु ऋषिरास्तव चंदन आसो प्रवाल पंचम सूक्ष्म त्रिफला, या आप कुछ धावन मैंने त्रिफला। त्रिफड़ा धावन, या ब्लैडर पंचवल्कल का जो है अभी वॉश, यूरिनरी ब्लैडर वॉश, धावन के ब्लैडर का बोल रही या योनि धावन आप बोल क्या रही? सर्वाइकल का, सर्वाइकल क्या बोल रहे, कौन सा सिस्टाइट? सिस्टाइटिस, सिस्टाइटिस। नहीं, हाँ नहीं उनको बर्निंग मिक्चुरेशन है, बर्निंग मिक्चुरेशन। तो यही मैम मेडिसिन चलेगा फिर तो, शुरू और अभी ये। 15 दिन पहले मैंने चंद्रप्रभा और चंदनाशव दिया था, और गोक्षुरादि गुगुर भी दिया था। हाँ तो तो अच्छा है ना मैम, ये अच्छा चलता है, आता है रिजल्ट। नहीं, लेकिन अभी इतना खास नहीं कम आया। फिर रेनाल का है, हिमालय का एक सिरप रेनाल का भी है मैम, वो भी अच्छा है, काम करता है ऐसे। सब पित्त शामक विरेचन देना पड़ेगा थोड़ा, अभी पत्ती कच्चू न दीजिए। सूक्ष्म नहीं त्रिफला, वो नेशोर नहीं, बर्निंग गुरुवर्णिका में मिक्चुरेशन, पूर्णनवा गोक्षुर ये सारा वाला कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रहेगा, मैं बताती हूँ है ना माधुरी जी। पूर्णनवा गोक्षुर चंद्र प्रभावटी, और गुगुल बस्तमयांत पुनर्नव घृत। वत्सामान्त घृत। हाँ हाँ बस्तमयांत घृत चलाइए, चंद्र प्रभावटी। और माधुरी आप क्या बोल रहे थे?
रिनल का, हिमालय का। हाँ वो भी सीरम लीजिएगा। रेनाल का। चलिए, मैम हाँ मेरा तो इसमें रिजल्ट आता है, उशिरासव, चंदनासव, चंद्रप्रभा, हाँ तो आता है, यस पता नहीं अभी इसका नहीं आता आया। तो मैं सिर्फ रेनाल का भी चलाती हूँ, प्रवाल पंचामृत, ऐसे ये करती हूँ मैम। नहीं तो चंदनासव ये सब है। होता है मैम। और फिर कभी कभी चंदनासन, सिस्टाइटिस है, इन्फ्लेमेशन है, तो सूक्ष्म त्रिफला, कैशोर गुगुल, त्रिफला गुगुल, ऐसा कॉम्बिनेशन, अमृता गुगुल, ये भी ये देती हूँ मैम। सूक्ष्म त्रिफला पर देती हूँ, वो भी है हाँ बिल्कुल, ठीक है ठीक है ठीक है। फिर इतना दीजिए मैं, पुनर्नवा, गोक्षुर, बस्तमैन तक, गुरुत, चंद्रप्रभावटी आना चाहिए इससे तो रिजल्ट ना। वरुण आदि का शायद तो है, पुनर्नवा गोक्षुर में वरुण भी डाल सकते हैं आप। चूर्णामदय। हाँ काढ़ा बनाकर दीजिए ना इसका, घर के काढ़े से, और जल्दी फ्रेश काढ़ा बनाकर दिया तो ज्यादा अच्छा रहेगा इसमें। पुनर्नवा गोक्षीरा और क्या बोले मैडम? वरुण, वरुण आदि चूर्ण, ओके। हाँ। और अगर पेशेंट का बहुत ही ज्यादा पित्त ये लग रही, तो आप ना, जैसे मैंने अभी मैडम को भी, गरिमा जी को भी बताया था, उदुम्बर का चूर्ण, लोधर चूर्ण, फिर शंख भस्म, शुक्ति भस्म, मुक्ता प्रवाल, ऐसे सब पित्त शमन वाले जो सारे भस्म और द्रव्यों के चूर्ण मिलाकर कंबाइन करके दूध के साथ पीने को देना, तो मतलब पित्त शमन हो जाएगा। अगर ज्यादा ही उनको बर्निंग सेंसेशन की समस्या, जैसे चंदन से भी, उसी से भी नहीं हो रहा है तो, है ना। मैडम आप सब पीडीएफ मेल का पित्तगण चूर्ण मैं वापस। डाल देती हूँ, मैं वो कॉम्बिनेशन फॉर्मूला जैसे अभी मैंने गरिमा जी को बताया था ना, वो मैं डाल देती हूँ ग्रुप पे ओके आप मैडम, अभी, तो आपको वो आसान से ये कर सकेंगे, आप उसको फॉलो कर सकेंगे, है कितने ना। दिन तक रिलीफ मिलना है तब? नहीं 7 दिन का तो चला कर देखना पड़ेगा, 7 दिन तो चलाइएगा इसको। 7 दिन, ओके। हाँ 7 दिन मैं डाल देती हूँ ग्रुप में ना, पूरा आपका उतना ही है ना आपका, मतलब बर्निंग का ही ज्यादा लग बोल रहे हैं ना आप, हाँ मैं लेकिन डाल देती। क्रॉनिक है, मैं मेरे पास अभी 15 दिन पहले आई थी, लेकिन कंप्लेंट्स वो उधर उधर इधर उधर घूम के उसको 6 मंथ्स हो गए, कंप्लेंट है। ठीक मैम आपने पूछा क्या वो क्या खा रही है, तीखा क्या, जागरण है या क्या है, दही खाती है क्या ज्यादा, कड़धान्य ज्यादा है क्या उसमें, मिर्च मसाला कुछ ऐसा है क्या, वो बार बार क्रोनिक हो रहा है, और कुछ ल्यूकोरिया है क्या, श्वेत प्रदर वगैरह है क्या उसका। हाँ वो PSPV की थी, ऐसा कुछ नहीं। वजाइनल रूल आउट किया मैंने, वजाइनल इन्फेक्शंस नहीं है, कुछ और हाउस उनका वाइफ पार्टनर का कैसा है, पार्टनर का कोई है। इन्फेक्शन नहीं कुछ है ना। नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, पार्टनर का कुछ नहीं। VDRL भी किया था, वो भी निगेटिव है। कुछ ठीक है तो है, ठीक। तो वापस वापस हो रहा है मतलब, और फिर हाँ नहीं तो वापस इसमें हो रहा है। हाँ शतावरी गुरु दे सकते हैं पित्त शामक, ये करने के लिए आप ये भी कर सकते हैं उसको ऐड। ओके मैडम, होता है ब्लैडर कुछ वॉश लोगों को, दे सकते हो? यूरिनरी ब्लैडर वॉश। नहीं मैडम मैं कभी दिला नहीं होता सा, बस्ती दे सकता तुम्हें जस, हाँ पर हाँ ब्लैडर वॉश में कभी डॉक्टर शिकले द्यायला, डॉक्टर ना हाँ देते जो ये हाँ तो मैं दिया पेशेंटला हूँ तुम्हारा, बाहर नहीं नहीं से तुम्हारा कॉन्फिडेंस है तो दे ना, काही प्रॉब्लम नहीं। नहीं, डॉक्टर ना देते पेशेंटला बाहर से कुठले नाही दिलेला अजून, त्यांना रिकरंट UTI हाँ होता, त्यामुळे मध्ये मध्ये देत होते। बर ठीक है ठीक। थैंक यू मैडम। ठीक है चले देऊन बघा रिजल्ट, मैम फिर चलेगा सब्जा ओके ठीक पानी पण प्यायला सांगा, है सब्जा फिर घालून, चल। पेशेंटला पानी प्यायला। हाँ पेशंटला सब्जा असतो ना, थंड असतो ना, के रोज घ्यायचा, हो रोज घ्यायला सांगा। ओके। ठीक है फिर मैम, आई होप कि सभी को आज अच्छा रहा केस डिस्कशन, अलग अलग दो तीन केस थे, तो सभी को शायद अपना अपना एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट मिल गया है, कुछ अगर डाउट रहा तो भी आप घर पे भी डालिएगा। ओके आज ठीक है, थैंक ओके यू, थैंक थैंक यू। यू, नमस्ते।